खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह द्वारा जनपद में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन स्थल सिधारी एवं मोहटी घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा, सिधारी एवं मोहटी घाट पर पारंपरिक स्थल है, वहाँ पर तालाब की व्यवस्था करके त्योहार के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इसी को पुनः तालाब बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से विसर्जन किया जाएगा। प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं परेशानी उत्पन्न न हो। एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार नदी में प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर तालाब बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। पूरे जनपद में शहर में लगभग 90 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है। सभी स्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सभी मूर्ति विसर्जन स्थलों पर उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसटीएम सदर बागीश कुमार शुक्ला, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ विकास कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। को लेकर आप लोगों ने दौरा किया है, क्या है और क्या नया डिसाइड किया, जबकि तरफ वाटर लॉगिंग और पानी भरा है? मेरे और कप्तान साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा जॉइंटली इंस्पेक्शन किया गया। नगरपालिका की टीम भी है और बाकी जो भी इसमें जुड़े होते हैं सभी टीम है। तो ये सिधारी में पारंपरिक स्थल है जहाँ पे कि तालाब की व्यवस्था करके त्यौहार के बाद मूर्ति विसर्जन स्थल चयनित किया जाता है। इसी को वापस जो गड्ढा है, मतलब जो तालाब बना के बनाने की कार्रवाई शुरू करी जा रही है और पर्याप्त स्पेस बनाया जाएगा और लाइट और प्रकाश और बाकी सब व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षित इसको बनाया जाएगा जिससे किसी भी तरह का किसी को कोई व्यवधान होता है। सर, आजमगढ़ में महीनों भर ये चलती है परंपरा, और उसको दृष्टिगत करते हुए आपने कितने घाटों को चुना? देखिए, देखा जाए तो पूरे विसर्जन स्थल पूरे जनपद में, अगर शहर में देखना है तो दो हैं। एक तो यहाँ पे एक मटोरी घाट पड़ता है, वहाँ भी अभी देखने हम जा रहे हैं कप्तान साहब, वहाँ भी उसको चयनित करेंगे। पर पूरे जनपद में देखा जाए तो बहुत स्थल हैं, करीब 90 के आसपास स्थल हैं जहाँ पे विसर्जन होता है। तो उन सब पे भी सभी एसडीएम्स को, सीओ साहिबान को और थाना पे निर्देशित कर दिया गया कि स्वयं उसको देख के उसको ठीक कर लिया। नदी में जो एनजीटी की गाइडलाइंस हैं उसी के तहत नदी में विसर्जन नहीं होगा, जो भी अलग अलग जगह तालाब बना के उस पर विसर्जन किया।